अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने ये कुछ सामान मंगवाया था, तो इसे मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि मैं बस कम सामान मंगवाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगवाती। मंथ के स्टार्ट में ही मंगवा लेती हूँ ज़्यादातर, और मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं मंगवाती, बस कम मंगवा लेती हूँ, पूरा हो जाता है मेरा। और फिर इसे मैंने सोचा, रात से ही मंगवाया था, मगर अभी मैंने सोचा इसी जगह पे रख दूँ, अपनी इतनी जगह पे रख दूँ। तो ये सारा सामान मैंने मंगवाया था, मैं इतना मंगवा लेती हूँ कि मंथ में पूरा हो जाए। अगर बीच में कमी हो जाती फिर बीच में मंगवा लेती हूँ, मगर ज़्यादा नहीं मंगवाती। कुछ मसाले मंगवाती है, और फिर इसे मैंने सब मसालों को इसकी जगह पर रख दिया। और ये देखिए, यहाँ ये भी मेरे मसालों का बॉक्स है, इस पर मैं ये यहाँ पे और यहाँ पे रख देती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने बालों के लिए ये मास्क बनाया, और ये मेरी सिस्टर जो है वो ज़्यादा लगाती हैं, उन्हें बहुत मतलब फ़ायदा हुआ था इससे। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ। तो ये जो है बालों में जैसे खुश्की हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो एक अंडा लेंगे, और ये साथ में कोकोनट ऑयल लेंगे, और ये मायोनीज़ है, ये तीनों चीज़ें हम मिक्स कर देंगे, अंडा, मायोनीज़ और कोकोनट ऑयल। कोई और ऑयल नहीं लेना, इसमें जो है कोकोनट ऑयल ही यूज़ होता है। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे बालों में अच्छी तरह लगा लेंगे। हम लोगों ने इसे पूरे बालों पे लगाना है, और उसके बाद हमने अपने बालों को किसी तेली से कवर कर लेना है। तो उसके बाद जब हम उसे वॉश करेंगे तो हमारे बाल से जो है सारी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा, हम ट्राई करते हैं, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ये रेमेडी जो है ये मेरी सिस्टर की है, वो यूज़ करती थी तो उसे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ करूँ, तो मुझे भी फ़ायदा होने लग गया। ये देखें, ये इस तरह का बन जाएगा, और उसे आपने अच्छी तरह अपने बालों में अप्लाई कर देना है। तो मैंने बालों में अप्लाई करने के बाद सोचा जल्दी जल्दी खाना भी बना लूँ, तो मैंने आलू गोश्त रख दिया पकने के लिए, ताकि ये भी पकता रहे, और 15 से 20 मिनट तक मेरे बालों में मास्क भी लगा रहे, फिर मैं उसे वॉश कर लूँगी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मैंने कुछ जैसे कॉस्मेटिक का सामान लिया था, फेस वॉश वगैरह लिया था, तो सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ। तो ये हिमानी का फेस वॉश है, और ये सिलिकॉन का इसके ऊपर ब्रश बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रोडक्ट है, आप लोग लेकर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। जो चीज़ें मैंने ली मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ। तो ये बीबी क्रीम है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, और मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ कि अपने प्रोडक्ट के मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ये क्लिनजिंग है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं मैंने लिए थे, और ये काजल जो है अभी दिखाऊंगी आपको, ये काजल बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर लेकर ट्राई कीजिएगा। और सारे प्रोडक्ट जो है मैंने एक साथ ही ले लिए थे, बेस वग़ैरह, लिपस्टिक, आई शेडो, सब एक मैंने ले लिए थे। तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ। ये वाला काजल बहुत अच्छा है, और मैबलिन का काजल है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है मैंने लेकर रख दिए थे, सोचा था आप सबसे शेयर करूँगी जब टाइम मिले, तो आज सोचा शेयर कर दूँ। आजकल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। तो इंशाल्लाह जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए मैं आपसे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी। तो आपको ये सब कुछ कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा।
और भी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगी। और कुछ लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक मैंने मंगवाई थी मैंने, वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैं कुछ प्रोडक्ट खुद ले लेती हूँ, कुछ मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो मुझे लेकर दे देती है, क्योंकि माशाल्लाह से उसे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है और मैं इतना सब कुछ यूज़ नहीं करती, इसलिए वही मुझे लेकर दे देती है। तो मैं ज़्यादा जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ सब आपसे मैंने शेयर कर लिए। ये मिस रोज का था, कुछ फाउंडेशन थे, कुछ जो है आईलाइनर थे, मस्कारा, सब कुछ मैंने आपसे शेयर कर लिया जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप सब मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और ये मैट लिपस्टिक है, ये मैंने यूज़ की थी, ख़त्म हो गई थी, दोबारा मंगवाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।